रहता है जो हमारे देश के भविष्य के साथ लिंक रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा एसटी के तहत जो है वो एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इलेक्शन हुए तब भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद यात्रा हुई टीचर्स की ड्यूटी लगाई, अभी असेंबली चुनाव हो रहे टीचर्स की ड्यूटियों के लिए चले गए अपना बोरी बिस्तर पैक करके। उसके बीच में तू-तू मैं-मैं भी हुई और उसके बाद प्रशासन को अपना जो निर्णय है वो बदलना पड़ा और रोड साइड पे जो है रेडियां लगाई। आपके साथ मैं राजेश कुमार पुनः मौजूद हूँ आप सभी के बीच में एक नई अपडेट को लेकर के। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि मचेल यात्रा 2024 जो है वो समाप्त हो चुकी है 5 तारीख को और आंकड़े के मुताबिक 2,80,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने इस साल जो है माँ मचेलवाली के जो है दर्शन किए हैं और ये आंकड़ा पिछले साल के आंकड़े से ज्यादा है, यानी पिछले साल जो रिकॉर्ड तोड़ा था पिछले कई वर्षों का, इस साल वो रिकॉर्ड भी जो है वो टूट गया है। फिलहाल ये दावे किए जा रहे थे कि इस साल जो है 3 से 4 लाख के बीच में जो है श्रद्धालु जो है पाडर मचेल आएंगे और लगभग इस आंकड़े के करीब प्रशासन पहुंच भी गया। लेकिन यात्रा के साथ साथ जब यात्रा प्रारंभ होती तो यात्रा के साथ साथ बहुत सारी मैनेजमेंट जो है यहाँ का प्रशासन पिछले कई वर्षों से देख रहा है और इस वर्ष भी प्रशासन नहीं देखा। इस वक्त मैं छत्तरगढ़ स्टेडियम में मौजूद हूँ और आप सभी को आज इस वीडियो में प्रशासन की वीकनेस कमजोरियां बताता हूँ कि किस तरह से प्रशासन इस बार कहीं ना कहीं मचेल माता यात्रा की मैनेजमेंट को लेकर के फेल जो है देखने को मिली। सबसे पहले जो मुद्दा हुआ वो ये तय किया गया, वो ये बताया गया कि इस साल जितनी भी रेडियां इंस्टॉल होनी है वो इसी छत्तरगढ़ स्टेडियम के दाएं आए, यानी चारों तरफ से वो जो है वो रेडियां लगनी थी। कुछ लोगों ने रेडियां लगाई भी और कुछ लोगों ने जो है वो अपने पुराने रीति के हिसाब से रोड साइड में रेडियां लगाना प्रारंभ हुआ। आपस में जो है बवाल हुआ प्रशासन और जनता के बीच में, आपने देखा होगा, हमने कवर भी किया था, आपको अपडेट्स भी दी थी किस तरह से प्रशासन और लोकल्स के बीच में तू-तू मैं-मैं भी हुई और उसके बाद प्रशासन को अपना जो निर्णय है वो बदलना पड़ा और रोड साइड पे जो है रेडियां लगानी पड़ी। हाली डीसी के साथ डॉक्टर दिवांश यादव जो पूर्व डीसी थे वो भी यहाँ पर विजिट किए थे और उन्होंने भी कहा था कि रोड साइड पे किसी प्रकार की रेडियां नहीं लगेगी, किंतु उसके बावजूद भी रेडियां रोड साइड पर ही लगी और ऐसे में चलते हुए कुछ लोग ऐसे थे जो रेडियो को बीच में ही छोड़ के चले गए। काफी लोगों ने अपना काम जो है वो शुरू नहीं किया क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ही रास्तों में अपने एरिया को कवर कर दिया था और कुछ ऐसे थे जो इस ग्राउंड में अपनी रेडियां लगा के बैठे थे, बाद में उनको जगह नहीं मिली और वो लोग जो है अपने घरों के लिए चले गए अपना बोरी बिस्तर पैक करके। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर जो है प्रशासन का देखने को मिला और प्रशासन यदि जो है परमिशन देती है तो उस प्रशासन का ये भी दायित्व तो बनता है कि उस रेडी की जहां उन्हें परमिशन दी है उसके लिए जगह भी जो है अलॉट कर दिया जाए, मार्क करके दिए जाए, जो कि इस बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पटवारी और तहसीलदार को जो है ये चीज उनको मार्क करके देनी थी। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो स्वच्छता को लेकर के आता है। मचेल यात्रा जो है तीर्थ स्थल है और यहाँ पर हजारों लोग जो है वो अच्छे वो जो है स्वच्छ मन से श्रद्धा भावना से जो है तीर्थ स्थल पर जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो अपने दाएं बाएं देखते हैं कचरों का ढेर, जो कि हमने पीछे कई कुछ वीडियोस में दिखाया भी आपको, यानी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी जो प्रशासन के दावे थे कि भाई हम जो है इस बार बहुत सारे जो जगह जगह पर डस्टबिन इंस्टॉल कर रहे हैं, स्वच्छता का खास ध्यान रखा जा रहा है और लाखों के टेंडर्स भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है स्वच्छता के नाम का जो है स्वच्छता करने में प्रशासन जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से फेल जो है देखने को मिले। कहीं पर डस्टबिन नजर नहीं आए, दाएं बाएं आपको कुछ के जो है कचरों के ढेर देखने को मिले, बाथरूम्स की हालत कुछ मीडिया चैनल्स ने दिखाई मचेल से क्या हालत जो वहां पर थी, फिलहाल उस पर भी जो कहीं ना कहीं समीक्षा करने की आवश्यकता है प्रशासन को। इसके साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है और वो मुद्दा रहता है जो सीधा हमारे बच्चों के साथ लिंक रहता है, जो हमारे देश के भविष्य के साथ लिंक रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की और मैं बात कर रहा हूँ पाडर के बच्चों की, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। हर वर्ष जब भी यात्रा लगती है तो टीचर्स को यहाँ वहां से पकड़ करके मचेल यात्रा में लगा दिया जाता है, कुछ को नाके पे रख दिया जाता है यात्रियों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कुछ को जहाज वालों के साथ रख दिया जाता है क्योंकि जहाज वालों को भी धंधा करना होता है, और कुछ को जो है वो यात्रा की अन्य सेवाओं में जो है यूटिलाइज उनकी सेवाएं की जाती है। मुझे समझ नहीं आती है कि इतने विभाग होने के बावजूद ही सबसे ज्यादा
शिक्षा विभाग के टीचर्स को ही क्यों उठाया जाता है। हालांकि पाडर के जितने भी सरकारी स्कूल्स है वहां पर अक्सर आपको जो है टीचर्स की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ता है टीचर्स को वहां से उठाने के लिए और उनकी सेवाएं यूटिलाइज करने के लिए। चाहे वो किसी सरकारी इदारे में अगर किसी स्टाफ की कमी है वहां पर यूटिलाइजेशन अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो वो सरकारी जो है टीचर्स ही याद आता है, यानी एजुकेशन विभाग ही याद आता है। चाहे इलेक्शंस हो, इलेक्शन के दौरान भी टीचर ही याद आता है। चाहे यात्रा हो, यात्रा के दौरान भी टीचर ही याद आता है। आप सभी को बता दें, इससे पहले जनरल इलेक्शन हुए तब भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद यात्रा हुई टीचर्स की ड्यूटी लगाई, अभी असेंबली चुनाव हो रहे टीचर्स की ड्यूटी लगाई रही। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप टीचर्स को इस साल पूरी ड्यूटियां ही लगाते रहेंगे तो वहां के बच्चे पढ़ेंगे क्या? और जिस तरह से आप लोग ये दावे करते हैं कि बच्चे जो है आज के बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं एसटी के तहत जो है वो एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपसे जानना चाहता हूं। फिलहाल हमें जो जानकारी मिली तो 12 के आसपास टीचर्स ऐसे हैं जिनको यात्रा ड्यूटी में लगाया गया था, और अभी मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन ने उनको वापस भेज दिया होगा और वो अपनी ड्यूटी ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर चुके होंगे। और जिस तरह से आपने पीछे भी एक बार देखा होगा कि गंदारी का मसला उठा था लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, वो ये 3 से 4 बेसिक पॉइंट्स है जिनको से प्रशासन को इन पर समीक्षा करने की आवश्यकता है और अगले वर्ष के लिए इनको इन पर जो है तैयार रहने की जरूरत है। और खास तौर पर मैं आप सभी को, आप जो प्रशासन है यहाँ की, उनको मैं राय देना चाहता हूँ कि हमारे पाडर में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा है जो बेरोजगार है, उनकी सेवाएं आप मचेल यात्रा के दौरान यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास ऐसी फंडिंग है, आपके पास ऐसा सोर्सेज है ताकि इसे जो युवा है वो भी कम से कम 1 से 1.5 महीना जो है अपना रोजगार ले लें और साथ ही साथ हमारे बच्चे जो है उनकी जो शिक्षा है उस पर भी कोई असर ना पड़े। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।